वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो मैं जा रही स्वीट क्रीमी जा रही हूँ, आइसक्रीम शॉप है वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और हीट को भी बीट करना है। और इसके बाद जो है हमारा सीन है मूवी का, क्योंकि न्यू मूवी आई है, मदारी मूवी आई पाकिस्तान की, मूवी देखने जाएगी हम, पाकिस्तानी मूवी है। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो मैं पहुंच गई हूँ स्वीट क्रीमी, इनकी काफ़ी जगह ब्रांचेस है, तो मैं जिस ब्रांच में आई हूँ ये है सिंधी मुस्लिम ब्रांच। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अंदर का टूर करवाती हूँ कि क्या सीन है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है और काफ़ी हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है, सब ने ग्लव्स पहने हुए, अपने बाल भी कवर किए हुए हैं, मतलब सफाई के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा है। तो आइए अब चेक करते हैं इनकी प्राइसेस। तो वाह भाई, माशाल्लाह से प्राइसेस भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है, कोई ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। तो अब ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैं ऑर्डर कर रही हूँ पिस्ता बादाम ब्राउनी एंड एक्सट्रीम किट कैट। तो भाई प्राइसेस इतनी कम थी कि मेरे इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, मतलब 1000 के अंदर अंदर ही तीन चीज़ें मैंने खा ली, बल्कि 1000 भी नहीं, 900 के अंदर अंदर, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे। टेस्ट की बात की जाए तो काफ़ी डिलीशियस टेस्ट था, आपके आंखों के सामने बन रही है भाई, इतने अच्छा टेस्ट और इतनी सफाई से बन रही है। ऊपर से एक और चीज़ मैं बताऊँ, इनका ऊपर भी बैठने का फैमिली एरिया है बैठने का, वहाँ भी बैठ सकते हैं। अगर आप बाहर बैठना चाहें खुली हवा में तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन नो डाउट यार, आइसक्रीम का टेस्ट जो था ना, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट की आइसक्रीम थी और रिजनेबल भी थी। तो मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँ कि आप भी ज़रूर जाए और ट्राई करें। इसमें से मेरी कौन सी फेवरेट है, पिस्ता बादाम मेरी सबसे फेवरेट रही है। के बाद मैं पहुंच गई अरीना सिनेमा। यहाँ जो था वो रेड कारपेट सीन था। अब कुछ लोग कहेंगे कि रेड कारपेट सीन क्या होता है, तो बेफिक्र है, मैं हूँ ना बताने वाली। रेड कारपेट सीन अगर मूवी का रेड कारपेट है तो उसका मतलब ये है कि जो मूवी लग रही है, जो मूवी आपको दिखाई जाएगी, उसमें जितनी भी कास्ट है वो सब उस दिन वहाँ पर मौजूद होती है साथ आपके। तो यही सीन था, मैं चली गई देखने मूवी मदारी। तो मदारी मूवी के जो लीड एक्टर है बाद वो भी आए हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो भी आते हैं, और दूसरे एक्टर एक्ट्रेस भी आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा प्राइवेट इवेंट होता है, इसमें हर कोई अलाउ नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं हम आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम जो है वो काफ़ी मज़े की थी, काफ़ी डिलीशियस थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब कम रेट्स में इतनी महंगी नहीं थी, वो बहुत ही मतलब अच्छे प्राइस रखे हुए थे उनके। उसके बाद मूवी का सीन ये था कि मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग लगी। आई थिंक मैंने उनको जो है एक्टिंग करते फर्स्ट टाइम देखा है, इससे पहले मैं किसी ड्रामे या मूवी में नहीं देखा, लेकिन मूवी की में जो एक्टिंग की है ना वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी और मूवी थोड़ी मुझे अच्छी लगी है।